गो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने आज सच सेवा समाज की टीम ने मिलकर इमदादी कैंप लगाया था जो सिंध में बलोचिस्तान में जो सैलाब आया था हमारे बहन भाइयों के लिए, और हमारे आज कैंप के अंदर हमारे यूसुफ जालिया साहब आए हैं और उनके साथ हमारे लद्दाख भाई आए हैं जो कि मुंबई के नदियाती वर्कर हैं और हमारे लीडर हैं यूसुफ भाई और यूसुफ भाई बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण भाई आपका और आपकी तमाम पूरी टीम का। बहुत खुशी हुई मुझे कि जहाँ पाकिस्तान की आवाम के दुख के अंदर पाकिस्तान की आवाम के साथ साथ हमारी अकलियती जो कम्युनिटी है खसूसी तौर पे हिंदू कम्युनिटी और ये सत सेवा जो समाज की तरफ से आपने काम शुरू किया है, तो देखें काम जो है ना उसकी नौयत ये नहीं होती कि बड़ा है या छोटा। काम जो आप करने जा रहे हो ना उसको देखा जाता है कि वो काम छोटा है या बड़ा है। तो आपने बहुत बड़ा काम किया है, वो चाहे एक रुपया हो या चाहे एक लाख रुपया हो उसको नहीं देखा जाता। कदर उस बात की है कि आप इंसानियत की खातिर निकलें और जो इस वक्त हालात हैं पूरे सिंध के अंदर खसूसी तौर पे बलूचिस्तान में KPK में, तो आपको मेरा ख्याल है सिंध तक जाएंगे क्योंकि आप सिंध की रहाइश है और सिंध के अंदर भी काफ़ी लोग जो है वो तबाह हाल है। मगर जो इस वक्त हाल है पूरे पाकिस्तान का खसूसी तौर पर सैलाब की तबाहकारियों से, तो वहीं जहाँ पाकिस्तानियों की नज़रें जो है इस तबाहकारी के ऊपर और इसके मदद के हवाले से, वहीं पूरी दुनिया की नज़रें जो हैं इस तबाह हाली के ऊपर हैं। और ये तबाह हाली कोई छोटी मोटी नहीं है, ये अगले 2-5 साल तक जो है पाकिस्तान इसको बर्दाश्त करता रहेगा जो इसकी तबाही आ जाएगी। तो बहरहाल मेरी तरफ़ से आपकी तमाम टीम को, आपको लक्ष्मण भाई खुशी तौर पर सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। और दिली खुशी हुई मुझे यहाँ आके ये देख करके कि आप जो है आप अभी भी इंसानियत के लिए दर्द लोगों के अंदर बाकी है और आप उसमें अपना पूरा हिस्सा डाल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाईजान, बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथी हैं, इन्होंने हमारे दूसरे तमाम बहन भाइयों के लिए जो परेशान है सिंध के अंदर सड़क, उनके लिए अपने कीमती वक्त निकाल के जद्दोजहद करके कैंप लगाया और इनकी मदद दिल से और जज्बे से करना चाह रहे हैं कि भाई हम लोग इनके लिए कुछ ना कुछ करें। अपने सिंध के रहने वाले भाइयों को लिए जो सैलाब से परेशान और हाल ज़िंदगी है, इनके लिए जो ना इनके जज्बे को सलाम करना चाहिए, सलाम एक तहसीब पेश करना चाहिए कि भाई